Hello everyone, I'm Saket, director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, a car moves with a constant tangential acceleration W tau equal to 0.62 meter per second square along a horizontal surface, circumscribing a circle of radius capital R equal to 40 meters. The coefficient of sliding friction between the wheels and the car and the surface is k equal to 0.20. What distance will the car ride without sliding if at the initial moment of time its velocity is equal to 0? तो बच्चों ये बड़ा ही प्यारा सवाल है. इसमें ये कहा गया है कि initial speed जो है car की वो क्या है? 0 है, है ना? और उसके पास tangential acceleration कितना है? Constant है w tau के बराबर. तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? dv by dt is equal to w tau, है ना? तो यहां से dv बराबर क्या आ जाएगा? w tau dt, है ना? और अगर इसे इंटीग्रेट करें तो t equal to 0 पर हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड 0 है. और लेट अस से कि किसी t टाइम पर, है ना, इसकी स्पीड हो गई v. तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? v बराबर आ गया बच्चों हमारे पास w tau into t. w tau कांस्टेंट था इसीलिए वो इंटीग्रेशन के कहां चला गया? बाहर चला गया, ठीक है? तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने निकाली कि v बराबर आ गया w tau into t. अब देखिए बच्चों, सवाल में हमसे और क्या कहा गया है कि वो रेडियस r के सर्कल में एक्चुअली घूम रहा है ना, और जो कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो k दिया हुआ है 0.2. अब बोला है कि कितनी दूरी तक वो ट्रैवल करता रहेगा बड़े आराम से, है ना, इन सारे कंडीशंस के साथ बिना स्लाइड किए, है ना. एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी. और इतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी कि जब जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, है ना, जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको वो फ्रिक्शन अब जस्ट फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो उसके बाद जो है वो स्लाइड करना चालू कर देगा, ठीक है. तो हम लोग यहां पर एक चीज फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि v बराबर कितना आ गया? w tau into t आ गया. अब देखिए बच्चों, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन हम लोग कितना बोल सकते हैं? वो तो होता है v स्क्वायर अपॉन r. तो वो कितना हो जाएगा यहां से? w tau स्क्वायर into t स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल r, है ना. तो एक इक्वेशन ये आई थी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास एक और आ गई, है ना. तो हमने क्या निकाल लिया यहां से? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकाला है, राइट. और इसके अलावा जो है हम लोगों को सवाल में क्या दिया हुआ है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो कितना है? वो w tau है. क्लियर है ये बात? अब बच्चों आप जैसा कि सवाल में समझ पा रहे हैं ना कि ये जो कार है ये पूरा का पूरा किस पे रिलाई कर रहा है? फ्रिक्शन पे रिलाई कर रहा है ना. तो फ्रिक्शन जो है इसके साथ दो चीजें करेगा. एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसको वो क्या प्रोवाइड करेगा? उसको प्रोवाइड करेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में FT, मतलब टेंजेंशियल फोर्स. और टुवर्ड्स द सेंटर वो क्या प्रोवाइड करेगा? FC, है ना. तो ये FT और ये FC, सेंट्रिपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, ये दोनों प्रोवाइड करने वाला कौन सा फोर्स है? सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो मैं आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, वो ये है कि जो नेट डायरेक्शन या फिर जो नेट रिजल्टेंट फ्रिक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है. और जस्ट आप समझिए कि जब स्लाइडिंग होना स्टार्ट होने ही वाला होगा तो उस समय हम लोग समझ पा रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या होगा? अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका होगा, ठीक है. तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं बच्चों कि उस मोमेंट पर जो फ्रिक्शन है, जस्ट ये स्लाइड करने वाला है, उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एफ टी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर. एफ टी तो देखिए बच्चों कॉन्स्टेंट दे रखा है, लेकिन FC जो है वो क्या होता जा रहा है? वो लगातार बढ़ता जा रहा है, है ना. तो FC जो है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है क्या होती जाएगी? फ्रिक्शन की डिमांड बढ़ती जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब फ्रिक्शन जो है वो इनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा, है ना. तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन की, है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? वो तो हो सकती है के इंटू mg, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के दे रखा है. तो दिस शुड बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ FT जो है वो कितना हो जाएगा? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि W tau दिया हुआ है. तो m W tau का स्क्वायर कर देंगे प्लस FC कितना हो जाएगा? तो वो तो हो जाएगा बच्चों mv स्क्वायर अपॉन r, इसका भी स्क्वायर, है ना. अब देखिए बच्चों, इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि m जो है वो तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना. तो हमारे पास देखिए क्या आ गया फाइनली, kg इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, क्या लिख दें यहां पर, W tau का स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा v की पावर 4, है ना. तो v की पावर 4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना. अब देखिए बच्चों, v जो है वो हम लोगों ने एक्चुअली निकाल रखा है ना. v बराबर क्या था? w tau into t था. तो यहां पर बच्चों हम लोग फर्दर यहां पर क्या लिख सकते हैं? v को लिख सकते हैं एक्चुअली w tau into t, है ना.
तो यहां से क्या आ जाएगा, k into g is equal to under the root of w tau का स्क्वायर प्लस w tau into t to the power 4 divided by r square. अब बच्चों अगर हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन में बात करें ना, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर बात करें तो s is equal to क्या हो जाएगा, s is equal to हो जाएगा हमारे पास half into a tangential into t square, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो जीरो है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे s बराबर half into w tau into t का square, है ना. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो टाइम के साथ इस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है. तो अब देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है, हमने यहां पर t to the power 4 लिखा था और यहां पर हमारे को t square मिल गया ना, तो t to the power 4 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2s upon w tau इसका भी होल स्क्वायर, है ना. तो t to the power 4 की वैल्यू को हम लोग यहां से उठा करके यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है. तो ऐसा करने से देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, k into g is equal to क्या आ जाएगा, देखिए under the root of यहां पर w tau का स्क्वायर तो लिख ही देंगे प्लस अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा w tau का की पावर 4, है ना, ये तो पहले आ जाएगा, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर भी आ जाएगा ना, ये तो एज इट इज आ गया. अब लेकिन बच्चों यहां पर t टू द पावर 4 के बदले क्या लिख देंगे, 2s डिवाइडेड बाय w tau होल टू द पावर 2. तो अब अगर बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर g स्क्वायर इज इक्वल टू w tau का स्क्वायर प्लस अब देखिए w tau की पावर 2 और w tau की पावर 4, तो ये बन जाएगा w tau स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स s स्क्वायर, है ना. तो यहां से देखिए हमारे को s निकालना है, राइट. तो चलिए थोड़ा सा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड को एक दूसरे की तरफ ले चलते हैं जिससे s आ पाए. तो यहां से देखिए w tau का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, इनटू 4s स्क्वायर, है ना, ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर g स्क्वायर माइनस w tau का स्क्वायर, है ना. तो चलिए इसे फर्दर सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं. तो यहां से s स्क्वायर देखिए कितना आ जाएगा ना, s स्क्वायर जो है वो आ जाएगा r स्क्वायर अपॉन w tau का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर g स्क्वायर माइनस w tau टू द पावर 2, है ना. अब देखिए यहां से हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बच्चों यहां पर हम लोग r स्क्वायर अपॉन 4, इसको कॉमन ले लेते हैं और w tau स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन w tau का स्क्वायर माइनस 1, है ना. तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली हमें क्या करना है, यहां पर हमारे को रूट लगा देना है ना. तो यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली रूट लगा दिए. तो देखिए यहां से हमारे पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू देखिए बड़े आराम से आ गया अंडर द रूट ऑफ, है ना, अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन w tau का स्क्वायर माइनस 1, और यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है. तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा. इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. टेक केयर बच्चों, बाय बाय.